नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे एक और आर्टिकल, इंग्लिश क्विज, अंग्रेजी प्रश्नमंच। ठीक है, आइए शुरू करें। माय नेम इज, मेरा नाम है, जो भी नाम है आप ना लिख सकते हैं यहाँ पर। आई रीड इन क्लास, मैं पढ़ता हूँ कक्षा में, कक्षा लिख सकते हैं आप। माई स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, मेरा विद्यालय सबसे अच्छे शिक्षण संस्थानों में से एक है। ऑफ माई सिटी, मेरे शहर के। आई लाइक टू स्टडी, मैं अध्ययन करना पसंद करता हूं। क्या? ऑल माई सब्जेक्ट, अपने सारे विषय। ठीक है, वेरी मच, बहुत अधिक। बट इंग्लिश इज माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन अंग्रेजी मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। क्यों? This is because, ऐसा इसलिए क्योंकि my English teacher is the best, मेरे English के teacher सबसे अच्छे। चूंकि हम English quiz पर article लिख रहे हैं तो हमें लिखना ही चाहिए कि English teacher हमारे सबसे अच्छे हैं और मुझे उनका ये subject पसंद है। अब English quiz में आप ये नहीं लिख सकते कि मुझे maths के teacher पसंद हैं, English के पसंद नहीं है, तो इसका हमें ध्यान रखना ही होगा अपनी writing skill। Clear? I always enjoy his class, मुझे इनका class हमेशा अच्छा लगता है, मैं मजा आता है, enjoy करता हूँ। He always uses new things, वो नई नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, and techniques, और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं in his teaching, अपने शिक्षण में। ठीक है, last week यानी गत सप्ताह he organized a quiz, उन्होंने quiz आयोजित किया या प्रश्न मंच आयोजित किया। It was a great experience, बहुत ही शानदार और महान अनुभव था। To be a part of it, इसका एक हिस्सा बनना। There were three teams in the quiz. इस quiz में तीन टीमें थीं। I was in team. मैं किस टीम में था? C. In the end, my team won the quiz. आखिर में मेरी टीम इस quiz को जीती। There were five rounds in the. पांच राउंड थे इस quiz में। We all enjoyed it very much. और हम सबने इसका बड़ा मजा लिया। There was a round for. ऑडियंस, एक राउंड था ऑडियंस, दर्शकों के लिए। ये क्यों था? द स्टूडेंट्स, वे छात्र who were not in team, जो टीमों में नहीं पहुंच पाए या नहीं थे, enjoyed this round, उन्होंने इस राउंड का बड़ा मजा लिया। लास्ट में लिखेंगे द स्टूडेंट्स, लास्ट में लिखेंगे आवर प्रिंसिपल मैम अप्रिशिएटेड, हमारी जो प्रधान अध्यापिका है प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने इसकी तारीफ की। दिस इवेंट, इस इवेंट की, इस कार्यक्रम की, वेरी मच, बहुत अधिक। कब की? इन द एंड ऑफ दिस क्विज, इस क्विज के लास्ट में। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ये ऐसा अनुभव था जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा और ये आर्टिकल राइटिंग आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना चैनल संजीव गोस्वामी, नमस्कार।